हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मलंग और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल बेसिक्स। दोस्तों, महिंद्रा थार ऐसी बहुत प्यारी गाड़ी है, बहुत खूबसूरत गाड़ी है। उसको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करने के बाद में गाड़ी का जो लुक है उसमें चार चांद लग, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, हमने उसको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया, उसके बाद गाड़ी का एकदम लुक ही चेंज हो गया। इसमें हमने क्या क्या किया मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी के जितने भी ब्लैक पार्ट है ना, उसको बॉडी कलर से मैच किया व्हाइट कलर से, और फिर आगे का ग्रिल चेंज किया, और ऊपर का रूफ लाइट जो है रूफ लाइट को चेंज किया, रूफ चेंज क्या किया नया फिटिंग किया, और फिर फॉग लाइट वगैरह हमने नए डाले, और फिर जो व्हील रिम है उसको वाइट कलर का पेंट किया, फिर जो ब्रेक डिस्क है और ब्रेक ड्रम है उसको हमने नियॉन ग्रीन मेटालिक कलर में पेंट किया। उसके बाद गाड़ी का जो लुक है आप देख सकते हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में, तो आप देखिए गाड़ी का लुक कैसा चेंज हो गया ये सब करने के बाद में, ठीक है। और इसका कितना खर्चा आया वो भी मैं आपको बताऊंगा एंड में, वीडियो के साथ बने रहिएगा। और पहले गाड़ी का बिफोर आफ्टर लुक देखिए।
तो देखा दोस्तों आपने, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद में गाड़ी का लुक ही एकदम चेंज हो गया। सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैंने इस तरह का मिसलीडिंग थंबनेल बनाया है कि उसमें कॉस्ट जो है बहुत कम बताई है, लेकिन क्या करें दोस्तों, करना पड़ता है, नहीं तो आप ये वीडियो पे क्लिक भी नहीं करते, ठीक है। तो मजबूरी थी इसलिए हमें मुझे ये इस तरह का थंबनेल बनाना पड़ा, उसके लिए सॉरी। लेकिन अगर आपको कितना कॉस्ट आया ये जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं कि कितना खर्चा आया और क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। बस यही था, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। His name, he's the automotive king, Malik Sheikh, master of the engineering scene. With the skills and knowledge, he's teaching the game, from the mechanics to the parts, he's got the whole thing. He's got the swag, the knowledge, he's the real deal, Malik Sheikh, the master of the automotive.